चली जा रही है, जिसकी मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमेटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ Ado247 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का बैंकर्स Ado.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल Ado247 पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्पीड मैथ्स देन अर्थमैटिक और देन अभी फिर से आपका स्पीड मैथ्स आपके सामने। जो ये पर्टिकुलर सेशन डिज़ाइन किए गए हैं जो भी आपके जीरो टू हीरो बैच में, वो इस तरीके से बिल्कुल मिला जुला करके मतलब डिज़ाइन किया है मैंने कि आपको मतलब ऑकवर्ड ना फील हो, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक ही एक ही टाइप में चलने लगा है, कुछ टाइम के बाद आपको बोर्डम सा महसूस होने लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप में आपके सामने क्लास शेड्यूल भी आपके सामने मैंने रखा है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन किया, यानी स्पीड मैथ्स का वो हिस्सा किया जो कि आपको 10 नंबर देता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। फिर आप लोगों ने अर्थमेटिक की शुरुआत की और अर्थमेटिक के कंसेप्ट आपने सीखे, रेशियो आपने सीखा, एजेस आपने सीखा। अभी मुझे इसके बाद पार्टनरशिप करना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा मैंने फेर बदल किया और हमने इस तरीके से किया कि पहले हम लोग यहाँ पे स्पीड मैथ्स का एक हिस्सा जो कि आपका नंबर सीरीज है मेरे दोस्तों, और ये कोई भी बैंकिंग एग्जाम आप दे रहे हो, नंबर सीरीज आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 5 नंबर की पूछी ही जाती है। अब वो चाहे जिस फॉर्मेट में पूछी जाए, कई टाइप की आपके सामने पूछी जाती है, तो मिसिंग होती है या फिर आपके रॉन्ग होती है, या फिर आपके सामने अभी जो फिलहाल देखने को मिल रहा है कि पीओ प्रीलिम्स वगैरह में नए पैटर्न की जो नंबर सीरीज आती है, इन सबको मिला जुला करके आपके पर्टिकुलर इस बैच में दोस्तों 5 सेशन रखे गए हैं। ओवरऑल 5 घंटे की आपको यहाँ पे 5 सेशन मिलेंगे आपको, जिसमें आप नंबर सीरीज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है भाई, तो आज तो नंबर सीरीज की बेसिक्स हम आपके सामने शुरू करेंगे, नंबर सीरीज एक्चुअल में क्या करते हैं, फिर आपका मिसिंग, रॉन्ग पैटर्न, देन आपका न्यू पैटर्न, फिर मिसलेनियस, इस टाइप में 5 सेशन आपके सामने ओवरऑल डिजाइन किए गए हैं। अब हम ये उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करें मेरे दोस्तों, आप लोग सेशन को शेयर करना शुरू करें, चीजें एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार बस सेशन को शेयर करना शुरू करो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, प्रदीप त्यागी जी, बिल्कुल, मोना मीना, मंगेश जी, मोदी का बाबा, ओ माई गॉड। देखो मोदी जी के नाम से तो फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बताओ यार, मतलब आदमी कितनी ख्वाहिशें थी, कितना मतलब सोच के बैठा था कि हाँ भाई 15 को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आदमी यहाँ जाएगा, आदमी वहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन फाइनली सारे सपनों पे पानी फिरा और ये कह दिया गया कि ऐसा कि शांति से बना के बैठो जैसे बैठे हो, अगर हिफाजत चाहते हो अपने स्वास्थ्य की तो। ठीक है, तो चलो दोस्तों कोई नहीं, सब तो भाई चलो भाई एक सही कदम था, ये करना भी चाहिए था और सही कदम ही रहा। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी करेंगे सब सही ही करेंगे, है भाई। चलिए, तो ओवरऑल नंबर सीरीज का आज लेक्चर हम लोग करने चल रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि हम ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज की शुरुआत करेंगे बेसिक पॉइंट से। अगर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता नंबर सीरीज वगैरह के पैटर्न कैसे पकड़ते हैं, तो कैसे शुरुआत करेंगे आइए वो देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट बैच एक ही बार में, अगर आप रेशियो शुरू कर रहे हो, तो रेशियो की 0 लेवल की प्रॉब्लम, लेवल 1 की प्रॉब्लम, लेवल 2 की प्रॉब्लम, और फिर 1.5 घंटे कंप्लीट मेंस लेवल की प्रॉब्लम, यानी कि ओवरऑल 4 लेक्चर जब आपके सामने 1.5-1.5 घंटे के होंगे, तो कंप्लीट 0, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस का एक आपके सामने पर्टिकुलर जो बैच मैंने डिजाइन किया है वो है आपका दोस्तों दक्ष बैच। ठीक है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स मेंस सबको मिला करके जो हमने आपके सामने बैच डिजाइन किया है वो है आपका दक्ष बैच। आपको यहां पे ज्वाइन करने के लिए Ado247.com पे विजिट करना पड़ेगा, जहां पे आपको दोस्तों 799 प्राइस दिख रही होगी, Y179 कोड अप्लाई करोगे वो प्राइस आपको 559 हो जाएगी। अगर आप Ado247 के ऐप से परचेज करते हो Ado247 के ऐप से परचेज करते हो तो वहां पे आपको 50 रुपए और घट जाएंगे, यानी 519 में ये बैच आप एनरोल करा सकते हो, जिसमें ओवरऑल 102 घंटे की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, सिमिलरली इसी तर्ज पे रीजनिंग का बैच जीत है, इंग्लिश आपके फाउंडेशन जो आपके इंग्लिश संतोष सर वो ताबड़तोड़ यहाँ पे भाई एक बैच लेके आए हैं, उड़ान बैच, और इसी तरीके से करंट अफेयर सर आप मतलब करंट अफेयर गुरु जो है आपके आशीष सर, इनका बैच है वॉरियर करके। तो ये सारे बैच का एनरोल कराने का प्रोसेस वही है मेरे दोस्तों। पर्टिकुलर बैच में क्या है, मैथ्स का बैच, वो हम मैथ वाला हम बता सकते हैं, बाकी सब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी है ये चेहरे ही ऐसे हैं कि बस आपको बस समझ आ जाना चाहिए कि हाँ जो भी है सब तगड़ा ही है। ठीक है,
आइए तो अब हम दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करने चल रहे हैं बेसिक पॉइंट्स नंबर सीरीज के। हम ये मान के चल रहे हैं, चलो आपको नंबर सीरीज का कोई भी आइडिया नहीं है, तो शुरुआत कैसे होती है नंबर सीरीज की। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्वेश्चन किस किस टाइप में पूछे जाते हैं। एक तो आपके सामने दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाती है। मिसिंग नंबर सीरीज में ये होता है, ठीक है भाई, मिसिंग नंबर सीरीज जिसमें आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ऐसे दिए जाते हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाते हैं, किसी एक जगह पे टर्म्स आपका मिसिंग होता है, वो टर्म आपका मिसिंग कहीं पे भी हो सकता है। बस देखना ये होता है कि आपको यहाँ पे पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे ये चीजें लिखी गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दोस्तों हम आपको बताएं, कहीं पे लिखा है सपोज 2, 4, 6, 8, तो अगला टर्म क्या होगा, तो देख के समझ आ गया कि ये पैटर्न जो है वो सब दो की टेबल चल रही है, तो अगला नंबर मेरा 10 होगा। तो ये आपको समझ आ गया कि हाँ भाई हमें एक पैटर्न पकड़ना होता है, फिर जहां पे मिसिंग क्वेश्चन मार्क है वहां पे हमें बताना होता है। देखो शेयर करना है आपको धड़ल्ले से आज, ठीक है, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन के रीच को मैक्सिमाइज करें, सबके पास इस सेशन के रीच को पहुंचाना शुरू करें, ठीक है भाई। अच्छा दूसरा होता है दोस्तों रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में बस यही होता है कि आपके सामने नंबर्स लिखी होती हैं और उसमें पकड़ना होता है पैटर्न पकड़ने के बाद कि कौन सी नंबर गलत है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, चलो हमने सपोज आपके सामने लिख दिया भाई, चलो 5, ठीक है, 10, 20, 25 ऐसे लिख दिया हमने, या 25 क्या, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया फिर से, और फिर आपके 25 लिखा। मैंने पूछा इसमें गलत टर्म कौन सा है, तो देख के समझ आ रहा है 5, 10 के बाद अगली नंबर क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, तब 20, 25 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रॉन्ग। बाकी इसके बाद दोस्तों न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज है, जिनमें आपको सामने अलग अलग सारी चीजें मिसलेनियस करके रखी जाती है, वो हम लोग न्यू पैटर्न नंबर सीरीज जब कर रहे होंगे तब हम लोग करेंगे। अब मुद्दे वाली बात ये आई कि हाउ टू गेट पैटर्न, मेरे दोस्तों हाउ टू गेट पैटर्न ये सबसे बड़ी बात है। अब जरा ध्यान से देखना, हाउ टू गेट पैटर्न का मतलब किस तरीके से हम लोग पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना, सीरीज की फॉर्मेशन जो आपके बैंकिंग एग्जाम में होती है वो कितने टाइप की होती है, ध्यान से समझते चलो, जो पैटर्न बनते हैं वो कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न तो आपका दोस्तों ये बनता है, पहला पैटर्न ये बनता है जहां पे आपको डिफरेंस अप्लाई करना हो। अच्छा डिफरेंस क्या, ऐसे समझ लो, ऐसे पहला पैटर्न ये बनेगा आपका कि सीरीज आपकी स्मूथली रन कर रही है, रनिंग स्मूथली, ठीक। स्मूथली का मतलब ऐसे हो गया कि 7, 14, 21 माने कि उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बाउंस ना कर रहा हो। तो जब स्मूथली रन कर रही होती सीरीज तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंस लगा के चेक करना होता है, या फिर हम लोग डबल डिफरेंस। अभी आप बस जो हम यहां पे लिखने चल रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, हमेशा काम आएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। डिफरेंस लेते हैं या फिर डबल डिफरेंस लेते हैं, ये हमारे जब हमारी सीरीज स्मूथली रन कर रही हो। अच्छा सेकेंड पॉइंट आपका जो होता है मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट आपने ये देख लिया, सेकेंड पॉइंट पॉइंट ये होता है कि नंबर हमारे बाउंस कर रहे हो, सीरीज हमारी बाउंस कर रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 5 है, 1 17 है, तो 1 200 कुछ है, 1 8000 कुछ है, यानी अब सीरीज आपकी बाउंस कर रही है। अब जब सीरीज बाउंस कर रही होती है, ये सब भी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तो और आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बाउंस कर रही हो, अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे बाउंस कर रही हो सीरीज, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या पैटर्न देखते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, और वो भी मल्टीप्लिकेशन कैसे, यहां पे सीरीज में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, और मल्टीप्लिकेशन पकड़ेंगे कैसे, हम लोग लास्ट के 2 टर्म पे फोकस करते हैं, लास्ट 2 टर्म पे फोकस करेंगे। अभी आपको अभी बस आप वैसे समझ लो, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। थर्ड पॉइंट मेरे दोस्तों आपका क्या होता है, ये बात तो समझ आ गई। थर्ड पॉइंट ये होता है कि सीरीज आपकी जिगजैग चल रही हो, यानी कि जिगजैग का मतलब ये हुआ कि सीरीज आपकी बढ़ रही हो घट रही हो। जैसे कहीं पे लिखा गया मैंने 15, फिर मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिखा 17, फिर मैंने लिख दिया यहां पे चलो 16, यानी सीरीज आपकी बढ़ भी रही है घट भी रही है। तो सीरीज अगर बढ़ रही हो घट रही हो तो दो चीजें हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड अल्टरनेट चल रहा हो, या तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन अल्टरनेट चल रहा हो, या सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर बस इतना समझ लो, जिगजैग में यही हो गया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो प्लस माइनस हो गया, यानी जुड़ रहा है घट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। चौथा एक पॉइंट और बनता है, और ये बनता ही है, 5 क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, जब सीरीज एक बार आपकी डिक्रीज हो, फिर आपका दोस्तों कांस्टेंट हो, और देन आपकी सीरीज इंक्रीज करे। ये सब नोट करना, ये ही पॉइंट्स हम आपको याद दिलाएंगे क्वेश्चन करने के दौरान, ध्यान रखिएगा। आप ही से पूछेंगे, कैटेगरी नंबर भी याद रखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कि आपकी सीरीज पहली नजर में देख के किस कैटेगरी में जा रही है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो मैंने आपके सामने ऊपर लिखा ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन है सीरीज का, कि रनिंग स्मूथली, सीरीज स्मूथली रन कर रही है। दूसरा, नंबर्स आपके बाउंस कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी क्या, कि जिगजैग, यानी बढ़ रही है घट रही है। और चौथा पॉइंट क्या, कि सीरीज डिक्रीज हो, कांस्टेंट हो, देन इंक्रीज करती, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 होता ही है, 99.99% केस में मल्टीप्लाइड बाय 0.5 होता ही है।
डन भाई, एक बार सारे लोग बता दो कि यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखे हैं मैंने, ये पॉइंट्स आप सारे लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ आना जल्दी बता दिया जाए, ये पॉइंट आपको समझ आ गए कि ये आपके सामने जो हमने डिब्बे में बंद करके रखा है, ये आपके सीरीज का नजर, ये सीरीज आपकी पहली नजर में इन्हीं चार कैटेगरी में से किसी एक जगह पे दिखेगी। या तो सीरीज आपकी स्मूथली चल रही हो, या तो बाउंस कर रही होगी, नंबर्स बाउंस कर रहे होंगे, या तो फिर वो जिगजैग चल रहा होगा, या फिर वो पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज करता चला गया। इसी इतने कैटेगरी में आपकी सीरीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है भाई। ज्यादा सबसे ज्यादा देखने को जो मिलते हैं वो रनिंग स्मूथली। यहां तक कहानी क्लियर होगी, चलो स्क्रीन शॉट ले लो इसका फटाक से। अब हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताने चल रहे हैं। फिर सेकेंड, एक तो पहला आपने सीरीज को देख लिया कि हाँ भाई कैसे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। अब देखो पैटर्न पकड़ने में आपको कुछ विशेष नंबर्स को पहचानना होता है, ठीक है भाई। स्पेशल नंबर्स जो होती हैं इनको आपको पहचानना होता है। जैसे आप लोग खटाखट से बताना शुरू करना, अगर हम कहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, चलो हमने लिख दिया 1, 4, 9, ठीक है भाई, 16, 25, तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या है भाई, ये सारी नंबर्स हमारी स्क्वायर लिखी है, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की स्क्वायर लिखी है, 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर, यही तो है ना। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये तो बहुत छोटी बात रही, क्यों बताया गुरुजी आपने? क्योंकि आपको ये नंबर्स पहचाननी होगी। कहीं पे आ गया डिफरेंस, आप ले रहे हो 0 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया, 24 आ गया। अब 0, 3, 8, 15, 24 ये आ गया, इसका मतलब क्या, ये एक्चुअल में स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो ये नंबर्स आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए तुरंत खटाक से, 0, 3, 8, 15, 24 के बराबर। कहीं पे मेरे दोस्तों सपोज आपके सामने 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है और 26 लिखा हुआ है, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। यानी अब एक बात समझ आ गई ओवरऑल कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दी गई जिसमें कि नंबर का इस मतलब ऐसे दी गई कि सपोज हमने डिफरेंस दिया और हमारी नंबर मेरे दोस्तों स्क्वायर के आसपास है या फिर क्यूब के आसपास है। सिमिलरली जैसे स्क्वायर के बारे में लिखा है ऐसे क्यूब के बारे में भी हो सकता है। तो अगर नंबर स्क्वायर के आसपास है, क्यूब के आसपास है, तो हमें इन चीजों को बहुत बारीकी से देखना होता है कि भाई क्या क्या हो रहा है, कहां कहां ये चीजें लाए, मतलब कि स्क्वायर के आसपास है तो स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा, ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन ही सॉल्व तो हमेशा करते हो क्लासरूम में, जब हम क्लास लेते हैं तो हमेशा ये तो होता है कि भाई क्वेश्चन दिया, सॉल्व किया, आंसर आया, और तो कुछ एक्स्ट्रा सीखते नहीं हो। तो पहले उसकी जड़ें तो जानो कि होता कैसे है। इन सब पे डिस्कशन बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलता होगा नंबर सीरीज पे, तो इन सब को भी आप जानते रहो कि एक्चुअल में आपको पता चले कि इसकी जड़ें कहां पे हैं। चलो भाई इसको हटा रहे हैं हम लोग, ठीक, यहां तक कहानी क्लियर होगी। और कुछ विशेष पॉइंट्स हम आपको जो बताना चाहिए, एक नंबर ये देख लो आप भाई, 2 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 12 हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, मतलब डिफरेंस लिया तो ये नंबर्स आ गई, ठीक है। अगली नंबर आप खुद ही बताना मुझे कि कौन कौन सी हो जाएगी भाई, ठीक है, अगली नंबर बताओ जल्दी फटाक से क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका माइंड स्ट्राइक नहीं करता, ये जो नंबर्स लिखी है मैंने इस पे आपका माइंड स्ट्राइक नहीं करता, ये अपनी अगर प्रैक्टिस में लेके आओगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स हैं आपके, मोस्ट नंबर्स मतलब कि आप डिफरेंस वगैरह लेते हो तो इस टाइप के जो स्पेशल आपके नंबर्स मिल जाती है, अगर आपको ये दिमाग में है तो खट से आप आंसर बताओगे, ठीक है भाई। ये हमारा पहला रहा, ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकेंड भी ऐसे ही हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया मैंने, 24 लिख दिया, 120 लिख दिया, अगला हमने आपसे पूछ लिया। थर्ड आपके सामने इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड में अब आप ये देख लो बस इतना, चलो ठीक है, आगे हम इंपॉर्टेंट में ये लिख दे रहे हैं, 2, 3, 5, 7 कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, ये बात तो ध्यान रखना, ये तो सारे लोग जानते हो, 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, तो अगली नंबर दोनों जगह पे अलग अलग हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले वाले की हम बात करते हैं, एक्चुअल में सबसे पहला जो लिखा हुआ है, सबसे पहला जो लिखा है आपका वो ऐसे लिखा है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, अगला 6 × 7, तो नेक्स्ट जो होगा वो 7 × 8, यानी अगला नंबर यहाँ पे क्या होता है, 56 होता है। ये कहानी भी क्लियर रही दोस्तों। ऐसे 1, 2, 6, 24 और 120 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका एक्चुअल में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 5, यानी अगला फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 होगा। अब 2, 3, 5, 7 ये आपकी दोस्तों प्राइम नंबर बन रही है, 2, 3, 5, 7 क्या होती है, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, और 1, 3, 5, 7 ये आपकी ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो अगर विषम संख्याएं हैं तब तो 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स अगर है तो 2, 3, 5, 7 के बाद अगली प्राइम नंबर 11 होती है। तो ये कुछ विशेष नंबर्स मैंने आपके सामने रखी,
इन सारी चीजों को, सारे ज्ञान को समेटते हुए जितना कुछ हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारी सीरीज हमारी चार अलग अलग कैटेगरीज में लाई करती है, या तो स्मूथली रन करेगी, या तो बाउंस करेगी, या तो जिगजैग यानी घट बढ़ रही होगी, या तो एक बार घटी कॉन्स्टेंट हुई फिर बढ़ती चलेगी। ये चार विशेष कैटेगरीज जो मैंने आपको दिखाई, उन्हीं चार कैटेगरीज में आपके सीरीज की फ्रेमिंग होती है। पहचानना आपको है, देखना आपको है, पहला कदम आपको उठाना है। आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर के। आई होप कि आप सारे लोग रेडी हो भाई, इतने सब कुछ जान के आप सारे लोग रेडी हो, और शायद बहुत रेयर ही मतलब आपको ये सब इतने ज्ञान देखने को मिलते होंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको ही हमेशा क्वेश्चन आंसर ही मिलता है नंबर सीरीज में। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, डायरेक्शंस है, ध्यान रखें। हम पहले मिसिंग नंबर्स ही देखेंगे आज के दिन में, मिसिंग नंबर सीरीज ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, टाइमर स्टार्ट होता है, शुरू किया जाए खेल। चलिए कम ऑन क्विक जल्दी से। शुरू किया जाए। देखो तो यहां पे सबसे पहले आपके सामने जो दिया गया दोस्तों, सबसे पहले जो आपके सामने दिया जा रहा है वो क्या है, 111 112 ये सारी चीजें ऐसे ओवरऑल लिखी गई हैं। आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हो भाई, आप ये बताओ किस कैटेगरी में जा रही है आपकी सीरीज। तो आप कहोगे डिफरेंस पे जा रही है, नहीं सीरीज आपकी डिफरेंस पे ही जा रही है। तो एक बार आप यहां पर डिफरेंस अप्लाई कर दो। तो भाई डिफरेंस से मेरा मतलब कि यहां पे सीरीज आपकी बहुत स्मूथली रन कर रही है, यही तो हो रहा है, बहुत स्मूथली रन कर रही है। तो अब यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस लेंगे यहां पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे डिफरेंस लिया मैंने, डिफरेंस ही चेक करोगे ना, और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है, एक का एक हमारा बढ़ रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क है नहीं पता। अभी यहां पे जरा डिफरेंस लो तो 25 और 41 लिखा, यानी 25 से कट, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 में 1 घटा दो 5 आ गया, 16 में 14 घटा दिया 2 आ गया, यानी 25 का डिफरेंस। तो 116 और 25, 116 और 25 नंबर देख के जानी पहचानी कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। अभी आप लोग का आंसर 116 बता रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई अभी आपको ये सबसे पहला काम तो मैंने डिफरेंस लिया, ठीक है। डिफरेंस लेने के बाद अब आपको दिख रहा है कि ये नंबर्स एक्चुअल में क्या है, 16 और 25 से मुझे आइडिया लगा कि हाँ भाई 16 हमारी 4 का स्क्वायर और 25 मेरे 5 का स्क्वायर। अब यहां पे आपके लिए दो प्लेसेस खाली हैं, यहां पे आपके लिए दो प्लेसेस खाली हैं। आपको दिख रहा होगा कि बीच की नंबर आएगी तो दो प्लेसेस आपके लिए फिल करने के लिए मौका मिलेगा। अब इस 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर रख दें तो अब दो प्लेसेस पे क्या लग सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो अगर 112 में 4 जोड़ोगे तो मिल जाएगा ना 116। तो फाइनल जो हमारा क्वेश्चन मार्क रहा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 112 प्लस 4 116, यानी ऑप्शन नंबर डी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि इतनी कहानी भी आप सबको समझ आ चुकी है, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए, तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कहीं पे अगर कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है भाई। 116 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और ये आपका टाइमर स्टार्ट। अभी भी आपको सीरीज स्मूथली ही दिख रही होगी, और जब जब सीरीज आपको बहुत स्मूथली दिखे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों डिफरेंस लेना है। हम कमेंट देख रहे हैं आपका, एक्चुअली हम कमेंट आज आपका फोन में देख रहे हैं, किया जाए फटाफट से। सरताज हुसैन ओके, आज शेयर करना है आपको बड़े स्तर पे एकदम भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ दिल मत तोड़ दिया करो। चलिए टाइम समाप्त हुआ, ठीक है, समय समाप्त होता है। चलो आप आराम से देख सकते हो, चीजें समझ भी सकते हो। देखो आज पहली क्लास है नंबर सीरीज की, तो बहुत ही प्यार से आराम से चीजों को हम लोग डील करेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, फिर और ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे ही। तो जब आप शुरुआत से देखते हो, कनेक्टिविटी बनाए रखते हो ना, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप स्किप कर करके देखते हो परेशानी तब होती है। आइए दोस्तों इस जगह पे देखते हैं, यहां पे भी हमें सिर्फ बहुत बाउंस होता हुआ नहीं दिख रहा है कोई, तो हम डिफरेंस ही लेना शुरू करते हैं। अभी एक चीज है खाली कि डिफरेंस में घट रही है नंबर्स, 6 में 1 घटा दो 5, 68 5 73 यानी 55 की कमी हुई। आगे यहां पे देखें तो 11 में 4 घटाओ 7, और फिर 67 में 60 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यानी 67 की कमी हुई। यहां पे अगर हम देखें ओवरऑल, फिर से देख लो, 11 में 4 घटाए 7, 81 और 4 कितना आ जाएगा, 77, उल्टा कर गए कुछ, 77 हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखें डिफरेंस तो भाई कितने का आ रहा है, 55 और 99, ये वैल्यू कितने के बराबर, 99, यानी आपको दिख गया 55, 77 और 99। दोस्त एक बात ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि भाई 11 के मल्टीपल हैं,
11 के मल्टीपल है ना, 55, 77, 99, 11 के टेबल पढ़ो यही आते ना, लेकिन क्या है, ऑड मल्टीपल्स है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि 11 55 के बाद 66 भी आया, 66 तो नहीं आया ना, 88 तो नहीं आया ना, तो 55, 77, 99 का मतलब ये 11 के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो अगर इसके पीछे की बात करें तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे इसका ऑड मल्टीपल 33 होना चाहिए। ऐसे यहां पे कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे यहां पे 11 होना चाहिए। तो 736 में 33 आप घटाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, 780 में 11 आप घटाएंगे, तो 780 में आप दोस्तों यहां पे 11 घटा दो तो 10 में 1 घटाओगे 9, 77 में 1 घटाओगे तो 76 हो जाएगा। तो 769 ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट आंसर आ, सबका आ गया ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया शानदार। तो दो क्वेश्चन में आपको सीरीज स्मूथली रन करती हुई दिखी, आपने क्या किया, उनका डिफरेंस लिया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। अब यहां पे क्या आपको सीरीज बाउंस होती हुई दिख रही है, आपको पहचानना है कि सीरीज किस कैटेगरी में जा रही है, आपको यह पहचानना है या सीरीज आपकी स्मूथली या बाउंस, ठीक। आप उससे होगा क्या कि आप डिफरेंस की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे या मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे, यह आपको जज करना है पहली बार में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं हम लोग। चलिए ठीक है भाई, शुरू किया जाए। हाँ जी, तो अब हमने आपसे कहा कि आपको पकड़ना है किसमें, आपको किस व्यू में दिख रहा है ये, पहले मैं आप लोगों का व्यू देख लें क्या कहना चाह रहे हैं आप सारे लोग। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं, हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं ना यार कि किस कैटेगरी में जा रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सीरीज बाउंस हो रही है, यस या नो इतना बता दो, क्या आपको लग रहा है कि सीरीज बाउंस हो रही है भाई। अगर आपको चेक करना है तो बस आप ये देखो कि हमारी सीरीज 2 से शुरू हो रही है और 291 पे जा रही है, तो जाने अनजाने में आपके मन में तो आ गया होगा कि एक बार हमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना है दोस्तों, एक बार हमें मल्टीप्लिकेशन चेक जरूर करना है। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए आप सबसे पहले, हमने आपको बताया लास्ट के दो टर्म पे फोकस करो, लेकिन लास्ट के दो टर्म में तो हमारा एक मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चलो छोड़ दो, अब इन दो लास्ट टर्म पे आओ, इससे होगा क्या, आप शुरुआत से मल्टीप्लिकेशन मत चेक किया करो, आप लास्ट के दो टर्म पे जाया करो, देख लिया करो लगभग कितने गुना है। अगर हम 46 से 140 के आसपास देखें तो 40 या 120 यानी लगभग 3 गुना आपको दिख रहा है, हमने इसको एप्रोक्स लिख दिया 3 गुना और कुछ नहीं किया, हमने लगभग लिख दिया 3 गुना। अब जरा 11 से 44, अब इसके पीछे आ जाओ, तो 11 से अगर आप 44 जा रहे हो, 11 से अगर आप 46 पे जा रहे हो तो लगभग कितने गुना दिख रहा है, आप कह रहे हो एप्रोक्स 4 गुना दिख रहा है, लगभग 4 गुना दिख रहा है। 2 से अगर आप 11 पे जाए तो लगभग कितने गुना दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है, ये कहानी भी हमने लिख दी। अब जब आपने एप्रोक्स आइडिया लगा लिया, आपने एप्रोक्स आइडिया लगा लिया कि लगभग इस, ये आपको करना है चाहे जितने बड़े बड़े नंबर्स लिखे हो, पहला काम स्टेप आप फॉलो करो, पहला काम लगभग लिख दिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि लगभग जो आपने लिखा है वो एग्जैक्ट तो है नहीं, कुछ कम या ज्यादा होगा, कुछ जुड़ रहा होगा, कुछ घट रहा होगा, तो आप जहां से इजीली पकड़ सके, जैसे आप कहोगे 2 × 5 = 10, 10 में कितना एक्स्ट्रा आपने किया कि 11 बन गया, तब आपने कहा कि मैंने +1 किया। अब आपको यहां पे पैटर्न मिला मल्टीप्लाइड बाई 5 + 1, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, भाई यहां पे 46 कब मिलेगा, जब आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ोगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 + 2 ये पैटर्न मिला। 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 12 और 1 मिलकर 13, 138, 138 में आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 3 ऐड किया, तब जाके आपको मिला। अब आप पैटर्न पकड़ सकते हो कि 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आगे जो हो रहा होगा इस 141 में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 3 के बाद आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जुड़ कितना रहा होगा, 1 2 3 के बाद आगे 4 जुड़ रहा होगा, तो आखिरी अंक तो 6 हर जगह पे है, तो 14 से 141 को मल्टीप्लाई करोगे 282 और +4 यानी ये वैल्यू आ गई 286 के बराबर। ऑप्शन नंबर ई आप सबका करेक्ट आंसर आ, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ई ही बताया, कुछ और बताया हो, हाँ भाई ओके, ऑप्शन नंबर ई ही सब लोग का आ रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो पॉइंट्स आप सीखते चल रहे हैं भाई, पॉइंट्स आप सीखते चलना मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो अब यहाँ पे, ठीक। चलो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन राइट टू लेफ्ट जाओगे तब मल्टीप्लीकेशन, रिटर्न हो गए तब तो भाई आपको डिवाइड देखना देखना शुरू होगा। चलो किया जाए फटाफट से, ओके okay.
अभी आपको बहुत सारी सी चीजें सीखनी है। अभी ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की मजेदार ट्रिक दिखाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके इस पर्टिकुलर सेशन में, अभी आप सीख रहे हो, ठीक किया जाए। टाइम अप कितना आ रहा है आप लोग का? ओके, जस्सी जी, जस्सी सिंह का आ गया। ओके, अनुष्का, रोशन कुमार, ठीक है, सही है, चलो आगे बढ़ा जाए भाई, ठीक है। देखो अच्छा, अब आप बताओ, आपके दिमाग में तो भाई तरह तरह के सवाल घूम रहे होंगे, है भाई, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? एक अब कैसे आपका पहला कदम क्या हो यही मायने रखता है, और पहला कदम सही डायरेक्शन में हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल हम इस चीज को अगर ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, तो अच्छा एक बात और बता दें हम आपको, एक बात ये बता दें कि हमने देखो अभी पार्टनरशिप हमें करना था एजिस के बाद, दो लेक्चर का पार्टनरशिप था, लेकिन मैंने उसको आगे पोस्टपोन किया, हमने नंबर सीरीज पहले, क्योंकि आने वाले वीक्स में हम आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे, हर सैटरडे आपको हम लाइव मॉक करवाएंगे, तो थोड़ा टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए, तो लाइव मॉक डेली के डेली हम करें, मतलब हर वीक में एक दिन करवाना शुरू करेंगे। अभी आप ये देखो 548, यहाँ पे 273 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा अगर इस साइड से जाएं लगभग ये कितने गुना आपको दिख रहा है, देखो लगभग दो गुना दिख रहा है भाई, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो हम कहेंगे ना दो गुना लगभग, ये भी हमें कितना दिख रहा है लगभग दो गुना, इस साइड भी कितना दिख रहा है लगभग दो गुना, इस साइड भी कितना दिख रहा है लगभग दो गुना, यानी अगर आपको समझ आ गया कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं, हम सीधी सीधी बात नहीं कि हम इस साइड से बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है हर बार डबल हो रहा है, इसका मतलब इस साइड आया होगा तो ये क्या होगा आधा हुआ होगा, आधा हुआ होगा भाई, 548 का आधा करो तो 2, 7 और 4 आ रहा है, लेकिन डिवाइड बाय 2 किया, अच्छा यहां पे भी अगर आप देखें तो लगभग डिवाइड बाय 2 है, यहां पे भी आपका लगभग डिवाइड बाय 2 ही है, और यहां पे भी आपका लगभग डिवाइड बाय 2 ही है, हर जगह पे आधा आधा दिख रहा है। अब आधा के बाद आप देखो कि एक्स्ट्रा कितना, हाफ करने के बाद आप देखें दोस्तों कि एक्स्ट्रा कितना, तो आप कहोगे डिवाइड बाय 2 करने के बाद माइनस 1 हुआ है, 273 को आधा करोगे तो 13 13 13 और 13, ये 136.5, 136.5 आ गया, 136.5 में आप कितना घटाएंगे कि 135 हो जाए, तो आप कहोगे हम 1.5 घटाएंगे, बात समझ पा रहे हो, ऐसे पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी 135 को 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 6 12, 2 7 14, 67.5, कितना आपने घटाया कि 65.5 हो गया भाई, 135 का आधा किया तो 67.5 आया, इसमें कितना घटाएं कि 65.5 हो जाए, तो आप कहोगे 2 घटाया हमने, तो डिवाइड बाय 2 माइनस 2 हो गया। अभी 65.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आता है कितना, 32.5, यानी 32, फिर कितना आ जाएगा 32 32 65 है ना, तो 32 64 1 15, फिर आ जाएगा 7 और फिर कितना 5, ठीक है, तो 32.75 आ गया 2 से डिवाइड। अब आपको क्या चाहिए, 30.25, यानी आपने कितना घटाया, 2.5 घटाया, तो इसमें 2.5 घटाया, तो ये पैटर्न, मतलब ये इस तरीके से हम लोगों ने पैटर्न पकड़ा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस करके हम लोगों ने इस तरीके से पैटर्न पकड़ा। अब आपको लास्ट टर्म पे फोकस करना है, आपको लास्ट टर्म क्या दिख रहा है दोस्तों, 30.25, इसको करोगे आप 2 से डिवाइड, कितनी बार चला जाएगा 15, उसके बाद फिर 125, 15.125, अब इसमें घटाएंगे क्या आप, 3 घटाएंगे तो 15 में 3 घटा दिया तो 12.15, ऑप्शन नंबर बी, कितना आप सारे लोग का 12.15 सही है। चलो बेसिकली है सिर्फ इतना, देखो उन बच्चों के लिए तो कोई मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसे आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि आपके लिए तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा रखा है जिनको सब कुछ आता है, लेकिन आज पहली क्लास में हम उन बच्चों को भी उस जगह में पहुंचाना चाह रहे हैं जो अभी इनिशिएट कर रहे हैं नंबर सीरीज का, उनको पैटर्न दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, उनको भी फोकस करके हम एक एक पॉइंट आपके सामने डिस्कस करते चल रहे हैं। आपके दिमाग में ये आया तो क्यों आया, इस चीज का जवाब आप पाने की कोशिश करिए भाई। अगर हम करवा रहे, चलो हमें तो पता है तो हम तो कर देंगे, जो आप लोग अक्सर देखते हो हैं सीधा आप करवा दिया गया कि लो भाई हो गया आपका आंसर, तो अरे हमें तो पता है ना, हम तो कर ही देंगे। आपके दिमाग में यही पैटर्न क्यों आया, इस चीज को तलाशिए आज पूरे पूरे के पूरे सेशन में। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए यार थोड़ा सा यार शेयर वगैरह करो तुम लोग ऐसे ही। हाँ देखो कल हमने आपको पीडीएफ दी नहीं है, अभी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपसे बोली थी, अभी पीडीएफ मैंने दी नहीं है, आज वो पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है, एजेस की जो 100 क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी उसकी पीडीएफ हम आज अभी डाल देंगे कुछ देर में, ठीक। लेकिन शेयर करें, सेशन के रीच को बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। चलो अभी ये आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा सीरीज आपकी घटे कांस्टेंट हो फिर इंक्रीज करती चली जाए, ऐसा बोला कि नहीं, चौथी कैटेगरी याद करो जो अभी हम बता रहे थे, हमने कहा सीरीज देख के पहली नजर में आपको ये लगना चाहिए कि सीरीज पहले घट रही है, अगर ऐसा दिखा कि सीरीज पहले घटी कांस्टेंट हुई
और फिर लगातार बढ़ती चली गई, तो 99.99 केस में क्या होता है, 0.5 का रोल होता है कि 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया है मेरे दोस्तों। और यही चीज आपको यहां पे देखने को मिल रही है। आप यहां पे फोकस करिए, 6 से आप 3 पे जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो रहा है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई। इसके जस्ट बाद आपको नहीं पता, चलो ठीक है, आगे आप 6 से देखो तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 24 हो गया। आगे अगर आप 24 से 192 पे जाएं तो 8 चौक 32 यानी 8 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 0.5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4 से 8 तो अपने आप में साबित कर रहा है कि डबल हो रहा है। तो अगर हम 0.5 का डबल 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 का डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाई। देखो जिन लोग को आता है वो आंसर जल्दी मार करने की कोशिश करें कि जल्दी जल्दी आंसर कैसे मार कर किया जा रहा है, ठीक है। जो लोग इजीली पकड़ पा रहे हैं, बाकी तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं कि आप क्यों पकड़ कैसे पकड़ रहे हैं आप पैटर्न को। क्लियर, इतना हो गया, आया ना मेरे दिमाग में ये बात कि हाँ भाई, कि अगर एक बार सीरीज घटे फिर कांस्टेंट हो और फिर आपकी सीरीज बढ़ती चली जाए तो क्यों हम पॉइंट, तो क्या पैटर्न लगता है वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब आपको बस ये पहचानना है कि सीरीज देख के आपको ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। यहां तक कहानी क्लियर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस जगह पे 3 आएगा और 3 ही आपके इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी क्रम को जारी रखते हुए आइए इन पे और प्रैक्टिस करते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सीरीज आपकी स्मूथ चल रही है, किया जाए आप। देखो 5 क्वेश्चन कर चुके हो आप सारे लोग, एक बार 5 क्वेश्चन, भाई फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार आप लोगों से बस ये कहना कि जितने लोग देख रहे हो एक बार सेशन को लाइक जरूर टच कर दो, ठीक है। थोड़ा सा वक्त निकाल के बस क्रॉस बटन है चैट वाली उसको कट करो और बगल में लाइक है उसको टच कर दो एक बार, ठीक है। थोड़ा हमें भी वो करते रहा करो बूस्टअप, वरना लॉकडाउन चल रहा है हम भी परेशान हो जाएंगे फिर। लॉकडाउन चल रहा है समझ रहे हो ना, हाँ, घर में ही बैठे रहना है, तो माहौल एकदम चीयर्स वाला बनना चाहिए एकदम बढ़िया सा, ठीक है भाई। चलो आगे मूव करते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक। आपको यहां पे देख के तो लग गया होगा कि हाँ भाई हमें क्या करना है, डिफरेंस ही लेना है, नो डाउट आपके मन में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंस नहीं कर रही सीरीज, तो डिफरेंस आपके मन में आया तो डिफरेंस ले लिया। 0 का डिफरेंस यहाँ पे, 8 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 24 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कितने का, 12 में 4 घटा दो 8, फिर 10 में 6 घटा दो 4, 48 का डिफरेंस, 0, 8, 24, 48, यही आपको सबको दिख रहा है। अब मुझे इतना बताओ कि ये इतना देख के आपको क्या लग रहा है, क्या आप पैटर्न इजीली पकड़ पा रहे हैं? अगर इजीली पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इजीली नहीं पकड़ पा रहे हैं तो और भी तरीके हैं कि एक और डिफरेंस ले लो। अभी अगला डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का, 16 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दोस्तों, 24 का डिफरेंस। अब आप आसानी से पकड़ सकते हो कि नीचे जो हमारे सामने नंबर्स लिखी गई हैं वो हमारी क्या है, 8 का टेबल चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, 8 के टेबल चल रही है, 8, 16, 24, इसका मतलब 8 के बाद अगली 24 के बाद क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए, और 48 और 32 को ऐड करोगे इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, 80 ऐड होना चाहिए, और 112 और 80 को ऐड कर दोगे तो 192 और 192 मेरे सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। डन, सबका हो गया ऑप्शन बी, शानदार। नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अभी यहां पे भी आपको डिफरेंस ही लेना है, तो डिफरेंस के खूब पैटर्न मिल रहे हैं, आप फटाफट से आंसर करना शुरू, डिफरेंस वाले पे आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया कि अभी एजेस की प्रैक्टिस पीडीएफ जो है वो मैंने अभी डाली नहीं है, आज हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जैसे आपने, आपको मैंने रेशियो के दिए थे ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे वो, 100 के आस, 150 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की 4,500 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ऐसे ही आज एजेस की आपको मिल जाएगी, इसी तरीके से नंबर सीरीज को भी 1,000-2,000 पीडीएफ हम आपको दे दें, 1,000-2,000 क्वेश्चन की, ठीक है। अब चलो इसको, चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, 709, 708 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। अब आपको यही समझ आएगा कि लेना तो डिफरेंस ही है भाई, डिफरेंस एक बार लेके चेक करो,
नौ और आठ कमी कितने की हो रही है, एक की कमी। यहाँ पे कमी कितने की हो रही है, आपने कहा नौ की कमी हो रही है, सही है भाई, नौ की कमी हो रही है। आगे जरा चेक करो, यहाँ पे डिफरेंस तो आप कहोगे भाई 25 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कमी कितने की हो रही है भाई, आप अगर चेक करो 14 में 5 घटाओगे 9, यानी ओवरऑल 49 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में ये नंबर जो है आपको पहचान में आ गया ना भाई, नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा किसका स्क्वायर है जरा ये देख लो, एक तो मेरी 1 का स्क्वायर है, दूसरी मेरा दोस्तों 3 का स्क्वायर है, अगली नंबर मेरी 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो नंबर है वो 7 का स्क्वायर है। तो ये नंबर्स मेरी ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। हम आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, अगर यही हमारा 2 3 5 7 होता तो अगली नंबर 11 होती, अगर ये 1 3 5 7 है तो अगली नंबर 9 होगी, यानी नेक्स्ट नंबर मेरी जो होनी चाहिए वो 9 का स्क्वायर, यानी इसमें घटेगा कितना, आप कहोगे 81, घटा दो 5 में 1 घटाओ 4, 62 में 8 घटा दो, तो 54 और 8 62 होता है। ठीक है भाई, तो यहां पे 544 ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ, सबका आ गया भाई, ऑप्शन ए ही आ रहा है, ऑप्शन ए ही आ रहा है ना सबका। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब थोड़ा स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे आप लोग, टाइमर स्टार्ट। चलो देखो आइडिया लग गया ना कि कैसे पैटर्न पकड़ में आता है, बहुत स्मूथली आप चल रहे हो धीरे धीरे, अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा है, प्रैक्टिस के साथ और जबरदस्त हो जाएगा। और कल हम लोग मिसिंग पे 20 सवाल करेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए कहते हैं अगर जीरो से शुरुआत करो विदाउट स्किप तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे पूरी मैथ्स को, लेकिन पंक्चुअलिटी आपसे ही नहीं मेंटेन होती है, और कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक, आगे कंटिन्यू किया जाए, 891 ये आपके सामने पूरी कहानी लिखी गई है, 891 885, भाई आप करने क्या वाले हो, जाहिर सी बात है आपके मन में डिफरेंस ही चल रहा होगा, और तो कुछ चल नहीं रहा, तो आप जरा एक बार डिफरेंस लेके देखो, यहाँ पे 6 की कमी हो रही है, आगे कमी कितने की हो रही है, आपने कहा 12 की कमी हो रही है, आगे कितने की कमी हो रही है, तो भाई आप 13 में 9 घटा दो तो 4 आता है, और फिर 86 में घटाओ तो कितना आ रहा है 2, 24 की कमी हो रही है, यहाँ पे कितने की कमी, आपने कहा 48 की कमी, 6 12 24 48, ये कुछ आइडिया लग गया भाई, 6 12 24 और 48 क्या लग रहा है ये, 6 6 दुना 12 6 चौक 24 6 8 48, आपको आइडिया तो लग गया होगा कि भाई किसी कौन सा पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। हाँ आप कई तरीके से सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐसे तो इस तरीके से नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये चूंकि सब 12 के मल्टीपल हैं, सब 12 के मल्टीपल, देखो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये क्या लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ना 1 2 4, अच्छा ये क्या लिखा हुआ था तो 12 मल्टीप्लाइड बाई हाफ लिखा था। एक तरीका ये रहा कि आप देख रहे हो कि पहले आधे से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी आगे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 2 4 4 2 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी यहाँ 96 आना चाहिए, और 801 में 96 घटाओ तो 11 में 6 घटाओ 5, 79 में 9 घटाओ तो 7 आ जाता है, 705 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एक तरीका ये रहा पैटर्न पकड़ने का, फिर से समझ लेना ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दूसरा तरीका ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दूसरा तरीका ये रहा कि आप चाहें तो एक बार एक और डिफरेंस लगा के चेक करें, तब शायद कहानी और जल्दी साफ हो जाए, एक और डिफरेंस आप लगा के चेक करें, तो यहां पे डिफरेंस दोबारा लोगे तो 6 आ गया, यहां पे डिफरेंस 12 का आ गया, यहां पे डिफरेंस 24 का आ गया, ठीक 6 12 और 24 का डिफरेंस आ गया, ठीक है 6 12 और 24 का दोस्तों डिफरेंस आ गया, ओके अब जरा ध्यान से देखा, 6 12 और 24 का डिफरेंस आ गया, 6 6 दुना 12 12 दुनी 24, तो 24 दुना आगे क्या होना चाहिए 48, 48 और 48 मिलके 96 घटा दिया तो ये वैल्यू 705 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहा। अगले पे मूव किया जाए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा दोस्तों, चलिए हाँ भाई कितना हो रहा है आप लोगों का, 705 705 सही है, बिल्कुल सही है, सरताज हुसैन ठीक है, ममता जी सही है, ओके शानदार, टाइम अप ठीक है, कितना आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल 705 705। देखो वो जो मैंने आपको बताया बेटे, अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया, दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो आप लोग भी कुछ अलग बता रहे हो ठीक है, ओके